नमस्कार दोस्तों, बाल मंदिर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 में जो कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर त्रिविम रसायन चैप्टर शुरू किया था, उस चैप्टर के अंदर हमने शुरुआत में ये बताया था कि समावयवता क्या होती है, समावयवता का वर्गीकरण बताया था। वर्गीकरण के साथ साथ हमने इसको बताया था कि इसमें जो हम मुख्य रूप से त्रिविम समावयवता ले रहे हैं, तो त्रिविम समावयवता के जो दो भाग थे, जिसमें विन्यासी समावयवता के बारे में हमने बात की थी और दूसरी बात की थी अपन ने संरूपण समावयवता। तो विन्यासी समावयवता के दो भाग होते हैं, दो भागों के अंदर आज हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं, वो है ज्यामिति समावयवता। कि भाई ज्यामिति समावयवता क्या होती है और कौन से कार्बनिक यौगिकों के अंदर ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो देखो आप, हमने पढ़ा है एक होते हैं एल्केन यौगिक, कौन से एल्केन यौगिक, और दूसरी बात करते हैं अपन एल्कीन की, एल्कीन यौगिक। ठीक है, अब देखो आप, एल्केन यौगिक जो होते हैं इसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सभी क्या पाए जाते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध? एकल बंध, है ना। और एकल बंध उपस्थित होने के कारण आप इसके अंदर मुक्त घूर्णन की प्रक्रिया आसानी से कर सकते हो। यानी ऐसी स्थिति होती है कि कमरे का जो तापमान अपन लेते हैं, कमरे का तापमान मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही इसके अंदर मुक्त घूर्णन स्वतः ही हो जाएगा। मुक्त घूर्णन का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे अपन ने ये है मार्कर, अब मार्कर के अंदर अपन ये बंध बता रहे हैं, तो ये मुक्त घूर्णन का मतलब न्यू है। जैसे अपने अक्ष के ऊपर क्या होता है, देखो आप इसको, ये अपने अक्ष के ऊपर आसानी से क्या हो सकता है, घूर्णन कर सकता है। तो ये मुक्त घूर्णन की क्रिया होती है। तो एल्केन के अंदर सभी एकल बंध है, तो एकल बंध के कारण कार्बन कार्बन के बीच में घूर्णन की क्रिया आसानी से हो सकती है ना। तो इसके लिए ये भी बताया गया है कि मुक्त घूर्णन के लिए अगर ऊर्जा की बात करें तो 5 से है ना, इसमें 10 किलो कैलोरी, 5 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आसानी से क्या हो रहा है, ये घूर्णित हो रहे हैं, है ना। लेकिन एल्कीन यौगिक जो होते हैं, एल्कीन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है। आपको याद हो तो मैंने 11th क्लास के अंदर एक कागज वाला उदाहरण बताया था, जिसमें कहा था कि एक पेन के अंदर, सिंगल पेन लेते हैं और उसमें दो कागज लेते हैं जिसको कार्बन माना, और उसको घुमाते हैं तो आसानी से घूम जाता है ना। और अगर उसी दोनों कागज में एक और पेन फंसा लेते हैं तो इसका मतलब अपन क्या कहते हैं, इसमें द्विबंध की स्थिति होती है। तो द्विबंध के कारण फिर आप उस कागज को घुमाने की कोशिश करो तो वो अपने अक्ष पर घूमता नहीं है, है ना। तो वो चीज कहलाती है कि भाई एल्कीन में अगर कार्बन के बीच में एक द्विबंध है तो इसके अंदर मुक्त घूर्णन कराना संभव नहीं होता है। क्या करना पड़ता है, मुक्त घूर्णन जो होता है वो संभव नहीं है, कारण क्या होता है, इसके अंदर द्विबंध की उपस्थिति होना। ठीक है, अब एल्केन है तो एल्केन के अंदर तो मुक्त घूर्णन पाया जाएगा, इसके कारण आसानी से क्या कर सकते हैं, एक रूप को दूसरे रूप में बिना ऊर्जा, यानी बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा खर्च किए परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब एल्कीन की बात आती है, या ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम श्रृंखला के अंदर एक द्विबंध पाया जाता है, तो उनमें मुक्त घूर्णन की प्रक्रिया संभव नहीं होती है। तो हम बात कर रहे हैं ज्यामिति समावयवता की। ज्यामिति समावयवता की परिभाषा अगर अपन लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्यामिति समावयवता की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आप ये कहेंगे, देखिए आप, कि ऐसे यौगिक, मैं यहां परिभाषा बता रहा हूं, ऐसे यौगिक, ठीक है, जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, प्रतिबंधित घूर्णन जो होता है, मतलब हम इसमें द्विबंध के बीच में घूर्णन नहीं हो रहा है, घूर्णन नहीं हो रहा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो करना पड़ेगा। तो इसमें यह दिया गया है कि प्रतिबंधित घूर्णन जो होता है, तो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण अगर विभिन्न भिन्न परमाणु
या समूहों का त्रिविम में भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होता है। क्या हो? त्रिविम में भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होता है और वो विन्यास क्या होगा? स्थाई विन्यास कहलाएगा। तो उस प्रकार की समावयवता को अपन क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। एक बार वापस परिभाषा बता देता हूं। ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों का त्रिविम में अगर विन्यास जो है वो स्थायी रूप से हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के समावयवी बनेंगे। ज्यामितीय समावयवता हमने 11th में थोड़ा सा इसके एल्कीन के अंदर ही पढ़ा था, तो उसमें हम बताते हैं कि दो प्रकार के समावयवी बनेंगे। अब क्या बनते हैं? तो देखो आप इसके अंदर आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा एक मिनट कि यहां से ऊर्जा का जो मान है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना? चलिए, तो 5 से 15 किलो कैलोरी मोल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी परिभाषा ले लो। अब हम लेते हैं कि ये ज्यामितीय समावयवता को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है? चलिए देखो, हमने अभी क्या कहा इसके अंदर कि इसमें ना दो प्रकार के स्थायी समावयवी बनते हैं। अब दो प्रकार के समावयवी में देखो, एक तो ये होता है कि जब द्विबंधित कार्बन जो होते हैं, ये जैसे द्विबंधित कार्बन है, द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूहों के अंदर अगर दोनों कार्बन के प्रतिस्थापी जो समान हो वहां एक ही दिशा में आ जाए, जैसे ये दोनों कार्बन के बीच में एक द्विबंध है, तो यहां पर जैसे समूह जुड़ा हुआ है ए बी और इधर भी जुड़ा हुआ है ए और बी। देखिए आप, अब ये क्या कहते हैं? इस पे दो समूह जुड़े हुए, इस पे भी कितने जुड़े हुए? दो समूह जुड़े हुए। अब द्विबंध के एक तरफ अगर दो समान समूह आ जाते हैं तो इस रूप को समपक्ष रूप कहा जाता है, समपक्ष या शिष रूप के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जब द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए समूह जो होते हैं उनमें द्विबंध के एक तरफ अगर समान समूह आ जाते हैं तो उसे समपक्ष रूप कहते हैं। और अगर यही स्थिति इसमें हो कि यहां पर ए और यहां पर बी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? अब प्रतिबंधित घूर्णन कर रहे हैं। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब इन दोनों की स्थिति चेंज कर देते हैं। तो यहां पर इधर आ गया बी और इधर आ गया ए। अब देखो, द्विबंधित कार्बन के एक तरफ क्या हो रहा है? अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग समूह जुड़े होते हैं तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? विपक्ष रूप के नाम से जानेंगे। कौन सा रूप? विपक्ष रूप के नाम से। अब ये शिष है तो ये कौन सा होगा? ट्रांस रूप कहलाता है। तो जो ज्यामितीय समावयवता होती है, ज्यामितीय समावयवता में एक तो इस प्रकार के रूप प्रदर्शित किए जाते हैं, है ना? तो अब ये तो मैंने अभी जनरली बात बताई। अब हम क्या करते हैं कि जो ज्यामितीय समावयवता है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के यौगिक दर्शाते हैं। एक तो दर्शाते हैं कौन सी? एल्कीन। एक तो दर्शाती है एल्कीन, ठीक है? दूसरी हम इसके अंदर बताएंगे ऑक्सिम। ऑक्सिम क्या होते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं। ऑक्सिम में ज्यामितीय समावयवता को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। और तीसरा आता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, या हम क्या कह सकते हैं इसको? चक्रीय यौगिक जो होते हैं, चक्रीय एल्केन के अंदर मुख्य रूप से देंगे अपन। तो वो ये तीन प्रकार के यौगिक जो होते हैं जिसमें एल्कीन, ऑक्सिम और एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं वहां इसमें ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने अभी आपको जनरली बताया था सिक्स और ट्रांस। अब देखो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? द्विबंध आ रहा है। तो द्विबंध का मतलब हम कौन सी ले रहे हैं? एल कीन में ज्यामितीय समावयवता कैसे दर्शाई जाएगी, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो आप।
अब हम पहला पॉइंट ले रहे हैं एल्किन में ज्यामिति समावर्ता, एल्किन में ज्यामिति समावर्ता। तो हमने अभी जस्ट बात की थी कि एल्किन के अंदर द्विबंध उपस्थित होने के कारण मुक्त गुणन नहीं पाया जाता है, और मुक्त गुणन उपस्थित न होने के कारण ये ज्यामिति समावर्ता दर्शाते हैं, ठीक है। और आप इसमें ये बता सकते हो जब द्विबंधित कार्बन में समान समूह एक ही तरफ हो तो उसे अपन संपर्श, और अलग अलग स्थिति में हो तो उसे क्या कहते हैं, विपक्ष या ट्रांसरूप कहते हैं। अब मैं आपको है ना इस एल्कीन के अंदर दो तीन उदाहरण बता रहा हूं, और दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने आप प्रयास कीजिएगा कि हम इसे संपक्ष और विपक्ष रूप में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप अब उदाहरण लेता हूं मैं इसका, ये आपको याद रहेगा। देखिए अब मैं जनरली जैसे अपन सिंपल ही उदाहरण जो लेते हैं वो उदाहरण इसके अंदर ले रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको याद होगा, मैंने लगभग ये सारे एग्जाम्पल है ना ये 11th क्लास के अंदर बताए थे, फिर वापस अपने रिपीट हो जाएगा। जैसे एक आया टू ब्यूटीन, क्या आया टू ब्यूटीन, ठीक है। अब टू ब्यूटीन का पहले सूत्र लिखो, देखो 1 2 3 4, दो नंबर पे डबल डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको संतुलित करते हैं तो CH3 इधर कितने एच आया, एक, इधर भी एक एच और इधर आया CH3, है ना। अब देखो ये द्विबंधित कार्बन है, अब द्विबंधित कार्बन को यूं बताओ C डबल बॉन्ड C, अब ये दोनों कार्बन है, अब इस कार्बन पर देखो एक एच है और एक तरफ CH3 है, तो यूं लिख दो आप एक तरफ एच एक तरफ CH3, ठीक है। अब ऐसे कैसे इसमें बता दो, अब जब आप इसमें लिखेंगे तो ये स्थिति आएगी कि द्विबंधित कार्बन के एक तरफ दोनों देखो CH3 समूह है और एक तरफ दोनों क्या है H समूह है। अब मैं आप इसको चलो इसको थोड़ा मार्कर से थोड़ा अलग बता देते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे मैंने इसमें H यूं बताया, ये एक H और ये दूसरा है, अब ये आया, ठीक है। अब आप देख रहे हो दोनों तरफ समान आ रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम जो लिखेंगे ये क्या लिखेंगे, संपक्ष। क्या लिखते हैं, संपक्ष, और है कौन सा यौगिक, टू ब्यूटीन, है ना, संपक्ष या सिस टू ब्यूटीन के रूप में लिखा जाएगा। अब विपक्ष रूप करना है तो विपक्ष रूप में क्या करोगे, सी डबल बॉन्ड सी, है ना, यहां CH3, अब इस CH3 को घुमा के इधर लिख दो आप, ये CH3 लिख दिया, आप दोनों तरफ H लिख दो, तो एक हाइड्रोजन इधर आई और एक हाइड्रोजन इधर आई। अब देखो अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये संपक्ष है तो ये कौन सा हो गया, विपक्ष टू ब्यूटीन, है ना, और इसको अपन क्या लिखते हैं, ये सिस है तो दूसरा कौन सा है, ट्रांस। तो ये पहला उदाहरण आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं इसके अंदर 1,2-dichloroethene, 1,2-dichloroethene, ठीक है। अब एथीन है तो कार्बन कितने हुए, दो, डबल बॉन्ड आया, डाइक्लोरो है यानी एक सीएल एक सीएल, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, संतुलित करने के लिए लिखते हैं। अब आपको इसका संपक्ष और विपक्ष रूप बताना है, बता सकते हो, तो क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, एक तरफ एच एक तरफ सी एल, ये एच ये इधर, ये एच ये इधर, चलो इसको सी एल को अलग रूप में बता देते हैं, तो ये सी एल और ये सी एल। अब ये नाम क्या कहलाएगा, संपक्ष, तो इसमें सीधा बताएंगे संपक्ष या सिस, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1,2-dichloro और कौन सा यौगिक है, एथीन, है ना। और अब विपक्ष में क्या कर दोगे, एक जगह से स्थिति चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, इधर एच है ना, और इधर आ जाएगा अपने ये सी एल और ये सी एल। तो अब आप इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, विपक्ष, क्या लिखते हैं, विपक्ष या ट्रांस, है ना, और क्या लिखेंगे, 1,2-dichloro,
और क्या लिखते हैं अपन, एथीन के रूप में लिखते हैं। तो ये किसमें समावेता हुई, ज्यामिति समावेता एल्केन के अंदर। अभी अपन ने इसके दो उदाहरण दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक उदाहरण मैं अभी बता रहा हूं, दो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप घर पे इसके समकक्ष और विपक्ष रूप जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब तीसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं। अब देखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल है इसका, तीसरा उदाहरण वो मैं ले रहा हूं, थोड़ा अलग है। मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल, ये भी आपको याद होगा, मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, देखो आप, सबसे पहले हम लेते हैं ये मैलिक और फ्यूमेरिक है, तो सी डबल बॉन्ड सी, इधर ले लिया सी ओ ओ एच, ठीक है, इधर भी ले लिया हमने सी ओ ओ एच, इधर आ गया एच और इधर आ गया, चलो इसको चेंज कर दो, है ना, अलग ले लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई समपक्ष और विपक्ष में क्या आएगा, तो ये एच। अब देखो ये दोनों एक तरफ है सी ओ एच समूह, तो दोनों समूह और इसमें भी ये समान स्थिति के अंदर आ रहे हैं, एक ही तरफ आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, समपक्ष रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, समपक्ष, या इसको किस रूप में लिखते हैं, सिस रूप में, है ना। और ये समपक्ष रूप कहलाता है, वो है मैलिक अम्ल, कौन सा, मैलिक अम्ल। और विपक्ष रूप जब आप बनाओगे तो विपक्ष रूप में आ जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, ये सी ओ एच, इधर लिख दिया एक, इधर लिख दिया सी ओ ओ एच, आप दोनों तरफ क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन, तो ये एक एच इधर, एक एच इधर, आप देखो चेंज हो गए, तो चेंज होते ही हम इसमें क्या लिखेंगे, विपक्ष, ये विपक्ष लिखते हैं, विपक्ष को किस रूप में बताते हैं, ट्रांस रूप के अंदर, और इसका नाम क्या आ जाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल, कौन सा, फ्यूमेरिक अम्ल, है ना। तो आपको करना क्या है, देखो अब इसका सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, ये सी ओ ओ एच है, तो सी ओ एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी ओ एच। अब अगर अपन इसका आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे तो ये क्या है, एक दो तीन चार, है ना, चार कार्बन के लिए क्या लेंगे अपन, देखो ब्यूट, ये क्या है, यहां से लेते हैं वन टू थ्री फोर, कहीं से भी करो, तो सबसे पहले ब्यूट, है ना, किसके, टू इन और वन फोर डाइऑइक, वन फोर डाइऑइक अम्ल, ब्यूट, चार कार्बन के लिए टू इन वन फोर डाइऑइक अम्ल, या यूं ले सकते हैं टू वन फोर डाई ब्यूटिनॉइक अम्ल के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये इसका नाम है। अब आप देखो ये तीन उदाहरण मैंने लिए, अब चौथा उदाहरण आपको खुद करना है, इसे लिख देता हूं मैं, होमवर्क के रूप में भी बता सकते हैं आप, तो होमवर्क के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें दे रहा हूं वन टू डाई ब्रोमो, ठीक है, एथीन एक उदाहरण, और पांचवा उदाहरण मैं ले रहा हूं इसके अंदर, ठीक है, वो है अपने टू ब्यूटिनॉइक अम्ल, टू ब्यूटिनॉइक अम्ल, ये आपको दोनों खुद करने, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब ये थी किसमें, एल्कीन के अंदर समावयवता, है ना, कि भाई एल्कीन के अंदर ज्यामिति समावयवता को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं ना एक सवाल लिख रहा हूं और इस सवाल का आंसर भी आपको ढूंढना है कि भाई ये सवाल कैसे परीक्षा के अंदर वैसे पूछा भी जाता है, तो ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाती है जबकि एल्केन
ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं कारण लिखिए। ये परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि एल्कीन जो होती है वो ज्यामिति समावयवता दर्शाती है, लेकिन एल्केन नहीं दर्शाते हैं, कारण बताना है आपको, आपको खुद इसके अंदर बताना है कि हम जैसे शुरू में मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप उसको एक बार वापस सुनना, देखना, किताब में पढ़ के देखना कि भाई ये ऐसा कारण क्या है इसका। ठीक है, अब हम लेते हैं एल्कीन। पहला था कि भाई ज्यामिति समावयवता पहली एल्कीन ने दर्शाई थी। अब दूसरी लेते हैं अपन ऑक्सिम। ऑक्सिम में ज्यामिति समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, समावयवता क्या होती है? तो ऑक्सिम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई जाए, किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई जाए तो ऑक्सिम बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्सिम बनते हैं। ठीक है, अब कैसे ऑक्सिम बनते हैं? तो ऑक्सिम के लिए मैं आपको एक अभिक्रिया बता रहा हूं। जैसे हम ऑक्सिम में समावयवता भी बता देता हूं कैसे दर्शाई जाती है साथ में, तो देखो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, तो एग्जांपल में सबसे पहला जैसे मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, है ना, एसिटाल्डिहाइड प्लस ऑक्सिम, ये सॉरी हाइड्रोक्सिल एमीन, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, हाइड्रोक्सिल एमीन, इनकी जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से ऑक्सिम जोड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल्डी ऑक्सिम, या एल्डोक्सिम के रूप में भी लिख सकते हैं, एल्डी ऑक्सिम, या इसको क्या कहते हैं, एल्डोक्सिम के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण के द्वारा बताते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने लिया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, अब एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण लेते हैं। देखिए एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड का सूत्र है ना, अब इसको यूं लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर CH3CH3CHO। अब इसकी क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है NH2OH। देखो हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह और एमीन मतलब NH2, अब इसको यूं लिखेंगे NH2 को H2NOH। अब क्या हटाया? H2O हटाया। H2O हटाते ही देखो आप, ये H2O हटते ही इस कार्बन से नाइट्रोजन द्विबंध से जुड़ेगी, कार्बन से नाइट्रोजन द्विबंध से, और साथ में इधर OH, इधर H, और इधर क्या आ गया? CH3 समूह आ गया, है ना। देखो कार्बन का संकरण क्या है? sp2 है, कार्बन द्विबंधित है, इसलिए इसमें मुक्त घूर्णन नहीं होगा, इसलिए ये कौन सी समावयवता दर्शाती है? ज्यामिति समावयवता। तो अब आप इसका नाम लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे एसिटाइल्डॉक्सिम। क्या नाम लिखेंगे? एसिटाइल्डॉक्सिम। अब ये ज्यामिति कैसे दर्शाएगा? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे बता रहा हूं। देखिए अब ये जो एसिटाइलडॉक्सिम बना है, अब इसमें क्या क्या रूप होते हैं? तो इसमें ये होता है कि ऑक्सिम के अंदर, मैं इसको सीधा यही उदाहरण ले रहा हूं, कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहे हैं? CH3, और इधर आ रहा है H, है ना, और इधर अपन ले लेते हैं कौन सा समूह? OH समूह। अब देखो ये है एल्डोक्सिम, एसिटाइल्डोक्सिम भी कैसे, एसिटाइल्डोक्सिम, है ना। अब क्या होता है इसमें, देखो क्या, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह, सुन लेना, नाइट्रोजन से जुड़ा
OH समूह कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन या किसी छोटे समूह की तरफ हो, हाइड्रोजन या किसी छोटे समूह की तरफ होता है, तो उस रूप को क्या नाम दिया गया है? सिंह रूप कहा जाता है। कौन सा रूप कहा जाता है? सिंह रूप कहा जाएगा। क्या होगा? OH समूह कार्बन से जुड़े छोटे समूह या हाइड्रोजन परमाणु की तरफ हो, ये तो ये सिंह रूप कहलाएगा। और अगर यही OH कार्बन से जुड़े किसी बड़े समूह की तरफ हो, अब इन दोनों में बड़ा समूह कौन सा है? CH3 समूह है, इसलिए अगर OH इधर होगा तो इसको कैसे दर्शाएंगे? देखो C डबल बॉन्ड N, अब ये तो CH3 है, इधर क्या है? H है, हमने इसमें स्थिति किसकी? OH की चेंज की, तो ये OH इधर आया, अब ये दोनों तरफ है ना, तो इसको कहा जाता है एंटी रूप। कौन सा रूप? एंटी रूप कहा जाएगा। तो सिंह रूप और दूसरा कौन सा होता है? एंटी रूप कहलाता है। ठीक है, तो ये एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो कैसे पहले ऑक्सीजन में परिवर्तित हुआ, अभिक्रिया ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया के बाद आपको तो सीधा ये याद रखना है कि इसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, और OH अगर कार्बन से जुड़े छोटे समूह या हाइड्रोजन की तरफ हो तो सिंह रूप, और अगर बड़े समूह की तरफ होता है तो एंटी रूप कहलाता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए दूसरा उदाहरण मैं एक और बता रहा हूं, दूसरा उदाहरण इसी के जैसा है, वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, अब बेंजाल्डिहाइड है, तो बेंजाल्डिहाइड जो होता है, बेंजाल्डिहाइड से जब आप इसको जोड़ोगे है ना, तो इसको लिखा जाएगा बेंजाल्डोक्सिम। क्या लिखा जाएगा? बेंजाल्डोक्सिम। ठीक है, यानी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड प्लस इसकी NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है बेंजाल्डोक्सिम, बेंजाल्डोक्सिम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसका सूत्र लिखूं, अब डायरेक्ट अपन अभिक्रिया नहीं लेंगे, अभिक्रिया दिखाना चाहो तो C6H5, C डबल बॉन्ड OH, C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड होता है ना, अब इसकी क्रिया ये तो H2NOH सीधा जोड़ दो, H2O हटा, H2O हटते ही और ये यौगिक बन गया, क्या? बेंजाल्डोक्सिम। तो C6H5C डबल बॉन्ड NOH और इधर क्या आ जाएगा? H। अब आप इसका सिन और क्या एंटी दोनों रूप इसके अंदर बना सकते हो। तो ये मैं आपको वर्ग दे रहा हूं या बता दूं एक, चलो इसका ही उदाहरण ले लेते हैं, इसको कैसे बताएंगे देखो आप। तो सबसे पहले लिखो C डबल बॉन्ड N, एक तरफ लिखा हुआ है C6H5 है ना, और इधर क्या आ रहा है? इस कार्बन से देखो एक तरफ C6H5, एक तरफ H जुड़ा हुआ है और इधर OH। अब अगर OH और ये दोनों एक तरफ है तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? सिंह रूप। और चेंज करते हैं तो C डबल बॉन्ड N, OH इधर लिख दिया, इधर लिख दिया हमने C6H5 और इधर H है ना। अब ये देखो OH इधर आया तो इसको कौन सा रूप कहेंगे? एंटी रूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार की समावयवता, मतलब ये ज्यामिति समावयवता के अंदर हम पहला लिया हमने एल्कीन के अंदर समावयवता और दूसरा कौन सा लिया? ऑक्सीन के अंदर किस प्रकार से समावयवता। अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो आपको खुद करना है सॉल्व। ठीक है, चलो मैं उदाहरण दे देता हूं, ये एग्जांपल आपको इसके लिए करना है, किसके लिए? इसमें ऑक्सीन के अंदर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, C6H5 ये अभिक्रिया यूं थी, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इधर था ये C डबल बॉन्ड O और CH3, जिसे कहते हैं एसीटोफिनोन। अब इस एसीटोफिनोन के द्वारा कहते हैं ये ऑक्सीन के रूप में किस प्रकार से समावयवता दर्शाएगा, ज्यामिति, तो इसमें ज्यामिति समावयवता दर्शाइए। ये मैं आपको आज क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन खुद हल करना है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको
एल्किन के अंदर दिए और अभी इसमें दिए, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट जो अपने क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका तीसरा भाग कौन से थे, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें किस प्रकार से समावयवता ज्यामिति समावयवता दर्शाई जाएगी वो, और प्लस ज्यामिति समावयवता के गुणधर्म नहीं, ठीक है। धन्यवाद।